दिया और जवाब दिया, देख माँ ये हीरा है। तो काम वाली बाई ने उसको हीरे को फेंका और बोली, हट पागल, रहने दे, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है। जब लड़का चला गया तो उसने वो हीरा उठाया और उठा करके सुनार के पास पहुंची। सुनार से पूछा कि ये हीरा है। सुनार सोचने लगा, अगर मैंने बता दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी, इसलिए सुनार ने उस हीरे को लिया और फेंक दिया। कामवाली बाई से कहा, कांच का टुकड़ा है। वो तो चली आई कामवाली, लेकिन जब वो चली आई तो उसने वो हीरा उठाया और जौहरी के पास पहुंचा। जवाब दिया, भैया जरा इसे देख, ये हीरा है। जौहरी सोचने लगा, इसकी परख तो मैं ही जानता हूं। तो उसने भी झूठ बोला और फेंक दिया, कहा ये हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा है। जैसे ही हीरा फेंका तो हीरे के दो टुकड़े हो गए। एक भैया देख रहे थे, बोले एक बात बताओ हीरे से, कि ये बताओ जब कामवाली ने फेंका नहीं टूटे, सुनार ने फेंका नहीं टूटे, लेकिन जब जौहरी ने फेंका तो आपके दो टुकड़े क्यों हो गए? तो वो जौहरी के वो हीरा कहने लगा, भैया न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं और न ही कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। ऐसे ही जब अपनों की ठोकर लगती है तो इंसान टूट जाता है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज मैया सुनीति ने जवाब दिया कि तेरी डोली वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत से शादी करवा पाई है। बहुत मनाया महाराज को, पैर पकड़े तो रानी सुरुचि ने बड़ी रानी सुनीति के पेट में एक लात मारी, फिर भी पैर नहीं छोड़े और जवाब दिया, बहना एक बात सुन ले,